وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام. Dear viewers, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. प्रोग्राम सुबह विलायत में सबाह खैर. आपकी होस्ट अंजलि जहरा नकवी विलायत टीवी यूएसए के तवस्सुत से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है. आज का हमारा प्रोग्राम बमुनासबत शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम लाहुमा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. मौला की शहादत के हवाले से हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे. 25 शवाल 1 तारीख के मुताबिक जो है वो आपकी शहादत की तारीख है. और हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जो कि हमारे 6ठे इमाम हैं उनकी ज़ात के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे. इससे पहले अपने रेगुलर सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि जिसमें हम परवरदिगारे दो आलम के अस्माए हुस्ना में से जो है वो एक इसमें मुबारक जो है वो परवरदिगारे दो आलम का यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे. उसके ख्वास, उसके बेनिफिट, उसके इसमें मुबारक का इसमें हुस्ना का मतलब क्या है और उसका विद हम कितनी दफ़ा कर सकते हैं और किस किस दिन करने की ज़्यादा अहमियत बताई गई है. तो इसलिए कि ताकि हम हमारी ज़ुबानें जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर वक्त जिक्र खुदा के साथ मामूल रहें और हम हर वक्त तस्बीह व तहलील और ज़िंदगी में हम अपना ये शआर बना लें कि हर वक्त हम जो है वो याद इलाही में मशगूल रहें. हम जानते हैं कि जिस चीज़ को भी हम बकसरत करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है और जो हमारी आदत होती है वही हमारी सोच बन जाती है और हमारी सोच के नतीजे में फिर जो है वो हमारी आदतें जो है वो तश्कील पाती हैं. तो जितना हम अपने आप को परवरदिगारे दो आलम के इस्माए हुस्ना से परवरदिगारे दो आलम के जिक्र से मामूर करेंगे तो इंशाल्लाह वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाएगा. और फिर यही कि यही वो जिक्र है कि जो हमारे साथ जाएगा यानी वो हमारे आमाल. देखिए इंसान के साथ जो है दुनिया में तो औलाद भी है माल भी है जो कि दुनिया की जीनत करार दिए गए हैं कुरान मजीद में. लेकिन जो चीज़ हमारी उखरवी जिंदगी तो जो दायमी जिंदगी है जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है उसमें ये हमारे आमाल जो हैं वो हमारे साथ जो है हो जाएंगे. तो ये इरशाद रब्बुल इज्जत है और हम उसके जितना भी शुक्र अदा करें अपने परवरदिगार दो आलम का वो कम है कि उसने हमें ये तौफीक इनायत फरमाई कि हम अपनी जुबानों पर उसके इस्माए हुस्ना को लाएं, उसका विद करें और अपनी हाजात को जो है वो परवरदिगार दो आलम के हुजूर में जो है वो भर लाएं. तो बहुत ही खूबसूरत ज़ाहिर है कि अल्लाह के तमाम नाम प्यारे हैं क्योंकि कुरान का इरशाद है लिल्लाह और अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम है इस्माए हुस्ना है और उसको उन्हीं नामों से पुकारो. आज का जो इसमें मुबारक है वो इसमें जमाली है खुदा की जमाली सिफात का मजहर है. इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह को जानो उसकी सिफात से. मासूम का फरमान है कि अल्लाह को उसकी सिफात से पहचानो अल्लाह सुभान व तआला को. लेकिन उसकी ज़ात में जो है वो क्योंकि वो इंसानी फिक्र से इंसानी अक्ल से मारवा है समझ में नहीं आ सकता. इसीलिए अब ये जो इसमें जमाली है परवरदिगार दो आलम के जमाल का मजहर है और ये इस वक्त के मुताबिक जो हमारे करंट सिचुएशन जा रही है करंट हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक ये बहुत ही खूबसूरत इस्म है कि जिसका अल बसीरो अल बसीरो सब कुछ देखने वाला अल्लाह अकबर. वो जात वो अजीम वो अल्लाह वो वही है कि जिसको हर बड़ाई हर तारीफ तमाम हमदो सना जो है वो उसी को देवा देती है. वो जात कि जो सब कुछ देखने वाला है जिसे ना ऊंघ आती है जिसे ना नींद आती है जो हई है जो कयूम है जो हमेशा से है हमेशा रहेगा और हमेशा से. तो हम उसकी जात से कोई मतलब वक्त जो है वो मुअय्यन
नहीं कर सकते हैं। ये परवरदिगार दो आलम की जात है कि उसको उसकी सिफात से पहचानो, उसकी सिफात किस तरह कि उसके उस्माए हुस्ना से उसको पहचानो, उसको पुकारो। ये इसमें जमाली के जिसके 302 आदात जो है वो बताए गए हैं। इसका विद आप 302 टाइम्स भी कर सकते हैं अपनी तमाम मुश्किलात के परेशानियों के हल के लिए। और इसके साथ साथ जो शख्स नमाज जुमा के बाद 100 टाइम्स 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह या बसीरों का विर्द करेगा तो अल्लाह सुभान व तआला उसकी निगाह में रोशनी और उसके दिल में ऐसा नूर पैदा फरमा देगा कि गुनाह करते वक्त वो अल्लाह से डरेगा। अल्लाह अकबर, कितनी जरूरत है इंसान को कि वो हर वक्त याद खुदा में मशगूल रहे ताकि वो मासियत की तरफ ना बढ़े। उसके जब इंसान को इसीलिए उसके जिसके दिल में ये नूर पैदा हो जाएगा, ये कल्ब ईमानी पैदा हो जाएगा, ये रोशनी परवरदिगार दो आलम अता फरमाएगा कि उसके बाद फिर वो गुनाह के करीब जो है वो जाते हुए डरेगा, वो सोचेगा, वो थिंक करेगा, उसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा उसके। और जाहिर है कि ये अताए परवरदिगार दो आलम है। और हम जानते हैं कि हर चीज को अचीव करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ हदफ होते हैं, कुछ प्रीरेक्विजिट्स होते हैं कि जिनको आपको अमाल को अंजाम देना होता है और फिर उसके बाद आप उन अमाल को उन अहदाफ को जो है वो पा सकते हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल नेम ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, या बसीरो अल बसीरो। इसका जिक्र करें हम, इसका विद करें हम, इसको अपनी ताकीबात में शामिल करें हम और इसके जरिए से हम नूर ईमानी, नूर बसीरत और रोशनी और दिल में जो है वो मारिफत खुदा परवरदिगार दो आलम जिससे पैदा हो सकती है हमारे अंदर इंशाअल्लाह अज़ीम। तो हम सब इस इसमें मुबारक से है जो फायदा हासिल कर सकते हैं। और बेशक के जब हम मिलकर दुआ करते हैं कि मासूम का फरमान है कि जो दुआ मिलकर की जाए, इसीलिए हम एक दूसरे को इल्तमा से दुआ बोलते हैं। हम कहते हैं कि मोहताज दुआ है हम एक दूसरे के लिए, और कि हम हर वक्त एक दूसरे को दुआ में याद रखें और जो दुआ मिलकर की जाती है वो परवरदिगार दो आलम उसको कबूल फरमाता है। तो इसीलिए कॉन्जिगेशनल हमारे रिलीजन में नमाज जमात के साथ पढ़ना, दुआ कि महाफिल को जो है वो करना, उसका एहतमाम करना, दुआए शब जुमा में दुआए सुमैल है, आप लोग दुआए तवस्सल पढ़े हैं एवरी वेंसडे ट्यूजडे को, इसके साथ दुआए नुदवा है फ्राइडे के दिन में। लेकिन आप किसी भी दिन इसका एहतमाम कर सकते हैं, अगर आप वीकडेज में नहीं कर सकें तो आप इसका किसी भी दिन जो है वो आप इन दुआओं का एहतमाम कर सकते हैं। आप दुआओं को इंशाल्लाह अजीज पढ़ सकते हैं। रीजन इज के मतलब जो हमारा हदफ है वो ये कि दुआओं को अपनी जिंदगी में, जिक्र खुदा को अपनी जिंदगी में हमने इस तरह से शामिल कर लेना है कि वो हमारी जिंदगी का एक लाजमी खासा हो जाए, वो हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा हो जाए इंशाल्लाह अजीज। तो आइए चलते हैं मौलाए मुत्तकियान साहिब नहजुल बलागा खतीब मिंबर सलूनी अमीर अल मोमिनीन या असुबुद्दीन कायद अल कुरान मुहज्जिन इमाम अल मुत्तकीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह में अब तक चलते हैं और आपके कलमात किसार नहजुल बलागा में से आज का जो खूबसूरत कॉल है उसको आपकी समातों की नजर करती हूँ। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिस तरह से हमने परवरदिगार दो आलम के इस इसमें मुबारक अल बसीरों के जो देखने वाला है, जो हर शय को देखने वाला है, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो इनजस्टिस हो रहा है, जहाँ जहाँ पर किसी के हक को गसब किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर दायर के इंसानियत का के साथ कत्लो गारत गरी जा रही है, जहां जहां भी जो ना इंसाफी हो रही है, परवरदिगार दो आलम जो है वो देख रहा है और एक दिन उसने हिसाब का मुकर्रर किया है, जजमेंट का मुकर्रर किया है। और इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ताकीद की गई है कि हम कुरान मजीद को पढ़ें ताकि हम पिछली उम्मतों के हालात को देखें, हम देखेंगे पिछली उम्मतों के साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह से अजाब नाजिल हुए थे कि जिन जिन उम्मतों ने अपने जो कौमें थी कि जिन्होंने अपने भेजे हुए रसूलों को, अंबिया को सुना नहीं, लिसन नहीं किया, और फिर उसके बाद जाहिर है कि जो जो उन्होंने जुल्म नारवा रखा, उन्होंने जो इनजस्टिस किए, उन्होंने जो लोगों के हक को गसब किया, उन्होंने जो नाइंसाफियां की, तो उनकी बिना पर उनके हद से ज्यादा बढ़ जाने और जुल्म की बिना पर उनके ऊपर अजाब नाजिल हुए थे। बहुत खूबसूरत जुमला है मेरे मौला की दुआ का, दुआए कुमैल का, कि जो आपने कुमैल को तालीम फरमाई थी अपने
सहाबी को, अपने कंपेनियन को, कि जलम तो नफ्सी, कि हम ही हैं कि जो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करते हैं। ये इंसान ही है, ये हजरत इंसान ही है कि अपने आमाल से हम जलम तो नफ्सी का शिकार होते हैं, हम अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करते हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है परवरदिगार जो आलम जो है उसको देख रहा है, वो साहिब बसीरत है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो हर शय का जानने वाला है, पता हरकत नहीं करता। लेकिन परवरदिगार जो आलम जो है अल्लाह अकबर, उसकी हमद सना की कोई हद नहीं है कि वो जानता है। जहां दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं तीसरा परवरदिगार जो आलम हर जगह हर शय में मौजूद है। जो उसका अक्स है जो पूरी कायनात में अपने जमाल को फैलाए हुए है। सिर्फ इंसान को वो साहिब बसीरत होना चाहिए, वो मारफत होनी चाहिए। इंशाल्लाह जब हम इस उनका जिक्र भी करेंगे तो हमारे अंदर वो मारफत भी आ जाएगी। मौला का कॉल जो है वो भी इसी तरह से, अगर हम करंट सिचुएशन को भी सामने रखें तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौला का जो है वो कॉल जो है वो आज के हालात के मुताबिक भी हम उसको ले सकते हैं। और हर रोजाना जिंदगी में, एवरी डे लाइफ में, अपनी लाइफ को जब हम देखते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के उधार और चढ़ाव को देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंदगी जो है वो एक इम्तिहान है परवरदिगार आलम की तरफ से, एक आजमाइश है। और इसी तरह से कि कौन है कि वो जो अपने परवरदिगार आलम के अच्छे आमाल को अंजाम दे। इसीलिए परवरदिगार आलम ने ये जिंदगी जैसी नेमत मौत और हयात को खल्क है ताकि आजमा सके कि कौन एहसन आमाल को अंजाम देता है। तो यहाँ पर मौलाना मुत्तकीयान कॉल नंबर 217 में वकाल अलैहि सलातो वस्सलाम के, जिसमें मौला फरमाते कि हालात के पलटों ही में मर्दों के जौहर खुलते हैं। अल्लाह अकबर। सर यहाँ पे वर्ड जो है वो मर्दों का किया गया है, लेकिन इसमें हम तमाम इंसानियत को शामिल कर सकते हैं कि अहवाल जो है, जवाहिर जो है इंसान के अंदर, जो कमालात है इंसान के अंदर, जो हमारे अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम के साथ खालिक कायनात ने हमें खल्क फरमाया है, उसको उन जवाहरात को, उन कमालात को, उन क्वालिटीज को किस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उन क्वालिटीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खुल के सामने आ सकती हैं वो हालात के बदलने। दुनिया के हालात हमारे सामने हैं। 2020 में जिस तरह से 2020 शुरू हुआ कासिम सुलेमानी और वो जो मोहम्मद फैजी उनकी शहादत के साथ, और इसके साथ साथ वो प्लेन का क्रैश होना, और फिर उसके साथ साथ हम जानते हैं जो ग्लोबल पैंडेमिक जो है उसके साथ फिर क्वारंटीन के हालात आए, और उसके साथ फिर जाहिर है कि जहां जहां पर भी दुनिया में नाइंसाफी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इस वक्त हम यूएसए के हालात देख सकते हैं कि एक जो मूवमेंट शुरू हो गई है, जाहिर है कि जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट भी है, जिसमें राइटिंग भी है, जिसमें लूटिंग भी है। हम लूटिंग की को कंडेम करते हैं, हम किसी भी तरह से जुल्म की हिमायत नहीं करते हैं, किसी भी सूरत में हो, किसी भी शक्ल सूरत में हो, और हम हक के साथ देने वाले हैं, हम मजलूम के साथ खड़े होने वाले हैं, क्योंकि हमने ये करबला से सीखा। तो अब इन हालात को हम किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से इसको जो है वो हम इस वक्त को इस यूटिलाइज करते हुए, इस मौके को यूटिलाइज करते हुए, जो वो हमारे लिए एक टेस्ट है, तो उसी में हमारे जो अंदर हिडन जवाहरात हैं, जो कमालात हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको इन्हेंस करने का हमें मौका मिला, टाइम मिला। और इमाम फरमाते हैं कि यही हालात के पलटों में ही मर्दों के जवाहर जो हैं, कमालात जो हैं, वो खुलकर सामने आते हैं। सुभान अल्लाह। मौलाए मुत्तकियान रुश्त व हिदायत का पैकर आपकी ज़ात है। और कितने आपने खूबसूरत एक जुमले में इमाम अलैहिस्सलाम ने एक समंदर को, हिकमत को, कायनात को समेट के रख दिया मेरे मौला ने, खुदा मौला की जात पर। और जाहिर है कि आप बाबे मदीनतुल इल्म है, तो ये जाहिर है कि आप ही की जात व जात है कि अगर हम शहर इल्म में दाखिल होना चाहते हैं, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुल इल्म है, आपकी जात जो वही इलाही की तर्जुमान जात है, अगर हम आपकी बात तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें बाबे मदीनतुल इल्म से यानी कि हिकमत के
मोहिकमत के इस दरवाजे से मौलाए मुत्तकियान साहिब नाजिल बिलागा के कलमाते के सार को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। आपके जुमलात को, आपके कोट्स को, आपके सेइंग्स को जो है वो कॉम्प्रीहेंड करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, दुनिया को बताना होगा। तो इस वक्त को हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेसन यही है एट द एंड ऑफ दी डिस्कशन इसमें कि हम इस मौके को किस तरह से यूज करें। क्वारंटीन में हम हमारे पास जो था वो हमें एक मौका मिला कि हमने जहाँ पे अपने घरों को इमाम बारगाह और मस्जिद बना लिया, हमने जिस तरह से रमजान अल मुबारक को जो है वो सेलिब्रेट किया, कमेमोरेट किया, हमने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए शहादत की मजलिसें भी की, अमाल भी किए मिलकर, सब कुछ किया। तो इसी तरह से मतलब इमाम अलैहिस्सलाम का ये कॉल जो है इसको हम ले सकते हैं। और अब भी जो हमारे पास जो है, अगर हम प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हैं, अगर हम माली मदद कर सकते हैं तो हम वो कर सकते हैं, अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो हम वो कर सकते हैं, जिस तरह से भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस वक्त इस मूवमेंट की तरफ। और ये हमें इस वक्त को जाया नहीं करना चाहिए, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए और हक के साथ खड़े होना चाहिए, हक के साथ। और यही देखिए हमारे आयमा अलैहिस्सलाम की तालीमात में से हमें जो है वो लेसन मिलते हैं। चूंकि जाहिर है कि वैसे तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत जो है वो 25 शवाल को होती है, लेकिन हमने कहा कि हम डिस्कशन को आज से शुरू करते हैं इंशाल्लाह अजीज। और इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत, आपकी हयात तय्यबा, आपके आपके जाहिर के आपकी बहुत से सेइंग्स हैं, तो अगले प्रोग्राम में हम इमाम अलैहिस्सलाम के सेइंग्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज थोड़ा सा हम इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से बात करते हैं। आपकी सीरत तय्यबा, आपकी हयात तय्यबा, आपका जो दौरे इमामत था, आपकी पैदाइश, उसके हवाले से। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे सिक्स इमाम हैं। आपकी तारीख विलादत जो है वो किसी तारीफ के तारुफ के मोहताज नहीं है, इसलिए कि आपकी और सरकार वसल्लम की तारीख विलादत यानी कि 17th ऑफ रबीउल अव्वल, आप जो है वो 83rd ईयर आफ्टर हिजरा में मदीना में आपकी विलादत होती है। और जाहिर है कि उसमें फिर हम देखते हैं कि आपके वालिद बुजुर्गवार जो हैं वो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातो वस्सलाम हैं, और आपके जो दादा हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम हैं। तो यहाँ पे दो शख्सियात के जो वाकया करबला की ऐनी शाहिद हैं, कि जिन्होंने वाकया करबला को विटनेस किया है फर्स्ट हैंड, तो जो वाकया करबला के हम कह सकते हैं कि वाकया करबला जो अगर उसको एक मूवमेंट के तौर पे लिया जाए तो वो मूवमेंट जो है उसकी उसकी जाहिर उसकी बुनियादों को, उसके पूरी मूवमेंट को कामयाब करने में जिस शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ है वो हमारे फोर्थ इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, कि आपके कूफा, आपके करबला से कूफा और फिर कूफा से शाम तक के जो हालात हैं और जो वाकियात हैं, और फिर बाद अज करबला जो आपकी पूरी एक लाइफ ऑफ जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें आपने करबला के वाकियात को जिंदा और जावेद किया अपने गिरिए के जरिए से, अपनी दुआओं के जरिए से, और वो सहीफा कामिला के जरिए से कि जिसको इंजील अहले बैत कहा जाता है, जिसे ज़बूर आले मोहम्मद कहा जाता है। तो आप सोचिए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमारे मौला जो हैं वो अपने दादा के जेरे साया रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब इमाम अलैहिस्सलाम जो थे वो अभी आपका यानी कि हम जानते हैं कि इमाम इमाम जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है ना, तो इमाम मासूम हैं आप। और फिर लेकिन यह है कि आपका जो बचपन है जिसको हम अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो जो एज जो है वो बचपन का हिस्सा कहलाता है वो आपने अपने दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जेर साया
गुजारा है, आपकी तरबियत हुई, आप परवान चढ़े और आपने उन हालात को फर्स्ट हैंड, जिसे कहते हैं ना कि वो मजलिसें जो इमाम जैनुल आबिदीन अलैहि सलातो वसलाम ने पढ़ी होंगी, वो मसाइब जो मेरे चौथे इमाम ने बयान फरमाए होंगे, बादल शहादत करबला, बादल शहादत उजमा जो, और बादल करबला और शाम, और आपने जो शाम के वाकयात बताए होंगे, जो शाम की शहादत मसाइब को बयान किया होगा, और वो हमारे सिक्स इमाम अलैहि सलातो वसलाम ने, यानी कि बजाते खुद अपने दादा से जो है वो फर्स्ट हैंड सुने हैं, तो उस मजलिस की क्या बात होगी, उस शहादत की क्या बात होगी। इसलिए ही तो वक्त के हम मुंतजिर हैं कि जब हमारे वक्त के इमाम इमाम जमान अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ जो है उनकी उनका ज़हूर पुरनूर होगा, और जब आप मुंतकिमे खूने हुसैन मुंतकिमे करबला आएंगे और फिर आप उन मसाइब को बयान करेंगे। इसलिए कि रिवायात में है कि हर रोज इमाम जमाना अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ को करबला का जो वाकया है पूरा उसको दिखाया जाता है, और इसीलिए इमाम जो है वो उनके जाहिर है कि उनका वो जज्बा और उनके दिल में वो इंतकाम कुव्वत इंतकाम जो है वो परवरदिगार दो आलम के हुक्म से, तो जब इमाम अलैहि सलातो वसलाम आके उन मसाइब को बयान करेंगे तो उस मजलिस की जो है वो कुछ और ही जाहिर है कि रिक्वत होगी, उन मसाइब का उन बयान का कुछ और ही इफेक्ट होगा लोगों के दिलों के ऊपर, हमारे दिलों के ऊपर। परवरदिगार दो आलम हम सबको ये मौका मरहमत फरमाए कि हम भी अपने वक्त के इमाम से मसाइबे करबला जो है वो सुने। तो इमाम जाफर सादिक है कि आप मदीना में पैदा होते हैं और फिर आपकी जो एज जो है वो 65 ईयर्स एज आपकी बताई जाती है, और तमाम जाहिर है कि मोस्टली आप जो है वो मदीना में ही रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा आप मदीना के कर्बो जुवार में आपने वक्त गुजारा। आपका जो इमामत का जो बताया जाता है दौरे इमामत, वो बताया जाता है 34 ईयर्स, 34 ईयर्स आपका दौरे इमामत बताया जाता है, और फिर इसमें बहुत से वाकयात जो हैं वो जाहिर है के इवॉल्व होते हैं, बहुत से इस तरह के दौर जो अदवार जो हैं, और जो कंटेम्प्रेरीज बताए गए हैं वो आपके वो अब्बासी खलीफा जो थे, और बनु उमैया का एंड हो रहा था वहां पर, और बनु अब्बास जो है उनकी हुकूमत शुरू हो चुकी हुई थी, और उस लिहाज से इमाम अलैहिस्सलाम का ये जो 34 ईयर्स ऑफ दौरे इमामत है वो एक हम उसको इस लिहाज से एक अपॉर्चुनिस्टिक दौर कह सकते हैं कि आपको दूसरे आइमा की निस्बत जो है वो बहुत मौका मिला कि आपने उस काम को इमामत के उन अहदाफ को कंटिन्यू रखा कि जो आपके आबाओ अजदाद ने जाहिर है कि वो शुरू किया था, और आपने इस लिहाज से वहां पर जो यूनिवर्सिटी का बुनियाद जो फाउंडेशन कि जो बाकिरुल उलूम आपके बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने रखी थी आपने उसको किस तरह से कंटिन्यू किया, उसको इनहेंस किया। इसीलिए तारीख में बताया जाता है कि मतलब आपके एक एक वक्त में कितने जो थे वो स्टूडेंट्स जो थे वहां पर जो थे वो रहे हैं। तो और इसीलिए आपकी जो तारीख शहादत बताई जाती है वो 25 शवाल जो है 25 शवाल और 148 ईयर ऑफ हिजरा बताया जाता है आफ्टर हिजरा, और इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो आपके दौरे इमामत जो है वो 114 ईयर आफ्टर हिजरा में शुरू होता है और फिर 148 ईयर आफ्टर हिजरा तक वो जो है वो चलता है। तो ये 34 ईयर्स जो है इमाम अलैहिस्सलाम के दौरे इमामत में आते हैं, जिसमें कि जिस वक्त बताया जाता है कि आप सिर्फ आपकी उम्र मुबारक जो थी वो 11 साल की थी, कि जब आपने कदम रखा है उस यूनिवर्सिटी में उस मदरसे में उस क्लासरूम में कि जिसको आपके बाबा ने तश्कील फरमाया था, और फिर ये कि आप अपने बाबा के साथ उस जाया करते थे वहां पर, और बहुत ये नहीं कि आप जाकर दूसरे स्टूडेंट्स की तरह वहां पर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक फिर आप वहां से लर्न करते थे, बल्कि आप बहुत से वेरियस टॉपिक्स के ऊपर स्कॉलरली डिस्कशन किया करते थे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ,
फिर हम जानते हैं कि ये वो हमारे इमाम हैं कि जितने भी दूसरे फिका शुरू हुए हैं, अगर आप हनफी फिके को ले लें, अगर आप मालिकी फिके को ले लें, हनफिया फिके को ले लें, तो ये सब के सब फिका जो हैं, जो दायरे के बरादरान अहले सुन्नत के हैं, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो इन्होंने जाके इल्म हासिल किया इमाम की बारगाह से, और फिर जाके अपने अपने फिका जो थे वो इन्होंने डायरेक्ट इनके शुरू हुए, और फिर इन्होंने अपनी जो भी तहकीकात की जाके बताई, और लोगों को फिर डायरेक्ट लोग उनके फॉलोअर हुए इस तरह से। तो इमाम अलैहिस्सलाम के इल्म का आप अंदाजा लगाएं, जाहिर है कि आप इल्म लुदुनी के वारिस हैं, ठीक है ना। हम दमशिया हैं, हमारा ये ईमान है कि आप मासूम इमाम हैं और आप इल्म लुदुनी के वारिस हैं, इल्म इमामत के वारिस हैं आप, और आप मासूम हैं। तो लेकिन अगर आप इस दुनियावी लिहाज से, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगानी के ऊपर रिसर्च करके बहुत खूबसूरत बुक जो है वो लिखी गई है, सुपरमैन ऑफ इस्लाम, और उसमें बहुत ज्यादा इसके ऊपर बताया गया है। तो यहाँ पर आप जो थे वहां पर डिस्कशन किया करते थे, और उस डिस्कशन में जो सब्जेक्ट बताए गए हैं उसमें एस्ट्रोनॉमी बताई गई है, उसमें फिक बताई गई है, उसमें जूरिस प्रूडेंस बताई गई है, उसमें इस तरह से साइंटिफिक जो थे केमिस्ट्री बताई गई है, उसमें फिजिक्स बताई गई है, उसमें मैथमेटिक्स बताई गई, मतलब ये सब्जेक्ट्स जो थे वहां पर के जो तमाम के तमाम सब्जेक्ट जो थे वो वहां पर डिस्कस हुआ करते थे, डिस्कशन हुआ करती थी। और इसी तरह से पूरी आपकी अगर जिंदगानी को देखा जाए कि जिस तरह से मतलब वहां पर इमाम अलैहिस्सलाम की अपब्रिंगिंग हुई है, तो उसको हम देख सकते हैं कि बहुत ही स्कॉलरली माहौल और बहुत ही एजुकेशन बाद आज करबला है ये सब कुछ, ठीक है ना। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पॉइंट टू बी टेकन है कि ये तमाम वाकयात, अभी वाकया करबला यानी कि बहुत ही रिसेंटली हुआ था, जब आप जाहिर है कि हम जानते हैं कि 61 ईयर आफ्टर हिजरा में जो है वो शहादत उज़्मा हुई है, वाकया करबला पेश आया है, जो भी मदीना में हालात शुरू होते हैं वो 60th हिजरा में होते हैं, और फिर 61 हिजरा आफ्टर हिजरा में ये तमाम वाकया करबला, कूफा से शाम, शाम से फिर वापस करबला, और फिर मदीना आना, और फिर इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का अपनी दुआओं और अपने गिरिए के जरिए से इस पैगाम करबला को जिंदा और जावेद रखना, और सबके जब कोई शिया रह नहीं गए थे, लेकिन फिर वहां से एक मूवमेंट का शुरू होना, और फिर वो तमाम वाकयात जो है अनफोल्ड होते हैं। तो आपकी विलादत जो है वो 83 ईयर आफ्टर हिजरा में, अभी ये रिसेंटली ही ये इवेंट हुआ था, और फिर आपने जहाँ अपने दादा से भी तमाम वाकयात को सुना, अपने बाबा से भी, क्योंकि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम भी आपकी जो थी वो आपकी एज बताई जाती है 5-6 ईयर की एज आपकी थी, 6-7 ईयर की एज थी वाकया करबला के दौरान, और ये तमाम वाकयात के बाद भी आपने किस तरह से दीन के अहकामात को और तालीमात को किस तरह से जो था वो दुनिया के कोने कोने में फैलाया। वाकयात जो अगर हम देखें, हाँ बेशक के इमाम अलैहिस्सलाम को बहुत मौका मिला बनू अब्बास और बनू उमैया की जो भी आपस की कॉन्फ्लिक्ट थे उनकी वजह से, और जो भी उन लोगों के हुकूमत के थे तमाम मामलात, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही सख्त दौर था, और इसका अंदाजा जो है वो हम कुछ वाकयात के जरिए से जो है वो लगा सकते हैं कि उस वक्त जो कंटेम्प्रेरी मंसूर दीवान की बताया जाता है कि जिसने जाहिर है कि की जहर देने की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत वाकया होती है, तो क्या उसका रवैया था ईमान के साथ, और उस वक्त के जो शिया थे उनका भी उस वक्त क्या मतलब हालात थे और क्या वाकयात थे, कि फिर दोबारा हमने वो मूवमेंट नहीं देखी कि जो कर वाकया है करबला में हमने देखा कि मतलब जो कुछ हुआ वो हमने बाद में क्यों नहीं देखा, और फिर भी किसी इमाम ने कयाम क्यों नहीं फरमाया। तो इसी चीज से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने मुश्किल थे, कितने सख्त थे। तो कुछ वाकयात हैं यहाँ पर कि जो मैं जाहिर है कि आखिरी समातों की जो है वो नजर करूंगी, और इंशाल्लाह फिर हम अगले वीकेंड पर भी इस डिस्कशन को जो है वो हम अपने जारी और सारी रखेंगे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगानी मुबारक के हवाले से। तो यही कि यहाँ पर जो था कि आपने
हकीकत में इस्लाम को जालिम हाकिमों के हिजाब से बेनकाब किया था। मतलब ये आपकी स्ट्रेटजी थी उस वक्त की। और मंसूर दवान की जो अब्बासी खानदान का दूसरा सरकश खलीफा था, और ये जो है वो 136 ईयर आफ्टर हिजरा में खिलाफत की मंसब पर बैठता है। हम जानते हैं कि देखिए, चाहे वो बनू उमैया हो चाहे वो बनू अब्बास हो, ये तमाम के तमाम जालिमीन में से हैं, ये तमाम के तमाम शजराए खबीसा में से हैं, और इनका सिर्फ और सिर्फ हदफ जो था वो दुनियावी हुकूमत थी, सिर्फ दुनिया की हुकूमत की लालच थी इनको, और इनके अंदर वही जेलसी, वही बोग, वो नफरत जो थी वो इस कदर भरी हुई थी कि इनसे जो था वो बर्दाश्त नहीं था कि ये किस तरह से इमाम दायरे के अहले बैत अलैहिस्सलाम को और बनू हाशिम को इस तरह से दुनिया के ऊपर जो कि इन मनसब इलाही जो उनको अता हुआ था परवरदिगार दो आलम की तरफ से उसको देखते। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस बोझ और जेलसी का नतीजा था, तो जो शुरू से बनू उमैया में चली आ रही थी और बनू अब्बास में भी ये जो था वो यही था सिर्फ कि दुनियावी हुकूमत। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उनकी इस हकूमत की जो भी और इनके जुल्म को जो था वो बेहिजाब किया था, बेनकाब किया था। जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे थर्ड इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद को बेनकाब किया था, उसके जुल्म को बेनकाब किया था, ठीक है ना। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने मुआविया को बेनकाब किया था। अब ये देखना तो जाहिर है हमारा काम है ना, देखने वालों का काम है कि जो देख रहे हैं सब के वो हालात को किस तरह से एनालाइज करेंगे और हक और बातिल में किस तरह से तमीज करेंगे। तो लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने, और फिर यही वजह थी कि जिसकी बिना पर बेशक, हालांकि आपने कभी किसी अब्बासी उसके मंसूर की हुकूमत में कभी उसकी खिलाफत में दखल अंदाजी नहीं की थी, लेकिन हमको इस तरह के बेशतर वाकयात मिलते हैं कि जिसमें मंसूर लअनतुल्लाह अलैह के जो बार बार इमाम अलैहिस्सलाम को जहमत देता है कि इमाम को बुलाता है अपने दरबार में, और फिर दायरे के इमाम के साथ सख्त रवैया अख्तियार करता है। तो इसी तरह का एक वाकया जो है वो बताया जाता है कि एक दिन मंसूर ने अपने वजीर रबी को कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए, और रबी ने मंसूर जो था मंसूर के हुक्म की तामीन करते हुए इमाम अलैहिस्सलाम को हाजिर किया बहुत सख्ती से। और इसी तरह से कि हजरत यानी कि उसका इरादा यही था कि इमाम अलैहिस्सलाम को, उनका इरादा जाहिर यही था कि इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए, और ताकि उनको डर था, जब आपने किसी की कोई चीज छीनी होती है ना तो आपको डर होता है कि ये कहीं हमसे वापस ना लेने आके। वो जानते थे कि ये हकूमत जो है, ये इमामत जो है, ये खिलाफत जो है, ये असल में किसकी है, इसीलिए उनको हर वक्त डर होता था कि कहीं हमसे हुकूमत ना छीन ले, कहीं हमारे से हमारा तो लाइवलीहुड जो है उनको दीन से, खुदा से, रसूल से, शरीयत से, इस्लाम से कोई भी उनको इससे गर्ज नहीं था। उनके गर्ज जो था वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की हुकूमत थी, दुनिया की लालच थी, पैसा था, शाहो वो शहाना, और वही जो होते हैं मतलब दायरे के इस तरह की चीजें थी। तो उनके अंदर इस्लाम का किसी किस्म का भी कोई, जिसे कह सकते हैं आपके वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि उनको इस्लाम के लिए कोई काम करना है या दीन के लिए कोई काम करना है या अल्लाह सुबहाना ताला के अहकामात की जो है वो तालीमात की तरफ जो है वो लोगों को लेकर आना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत। और फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि आप मेरी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, इश्काल करते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने भी तुझे यह खबर दी है ये झूठ कहा है, झूठ बोला है। तो उस वक्त वो जो उसका वजीर है रबी, वो कहता है कि जिस वक्त इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो थे वो दाखिल हो रहे थे मंसूर के दरबार में, तो आपके लबे मुबारक जो थे वो जुम्बिश फरमा रहे थे, लबे इमामत जो थे वो जुम्बिश फरमा रहे थे, और कहते हैं कि हजरत के लब हिल रहे थे, और जिस वक्त मंसूर के पास बैठे इस वक्त भी हजरत के लबे मुबारक जो थे वो जुम्बिश फरमा रहे थे, हिल रहे थे। तो कहते हैं कि बाद में जब इमाम अलैहिस्सलाम, मंसूर उस वक्त बहुत गुस्से में था और जाहिर है कि उसका इरादा यही था कि वो इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दे, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं वहां पर, मंसूर का गुस्सा जो है वो जाता रहा। और जब इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप उस वक्त किस चीज का जो है वो
थे, उस वक्त ये बताया गया कि उस वक्त इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने जद्दे अमजद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीम करदा जो दुआ थी कि जिसमें जिसका तर्जमा ये है कि ऐ दुश्वारी के वक्त ताकत देने वाले, ऐ मेरी पनाह के जिस वक्त मैं गमगीन हो जाऊं, मेरी हिफाजत फरमा इस आंख के साथ कि जो नहीं सोती है, मुझे रुकन के साये में करार दे कि जो उस्तवार और मुस्तकीम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हालात और वो वाकयात, जाहिर है कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम के साथ मंजूर का ये रवैया था तो आप सोचिए फिर कि जो उस वक्त के शिया थे, जो मौला के शिया थे, उनके साथ उस वक्त क्या वाकयात थे और क्या हालात होंगे। यही बताया जाता है कि एक शिया थे उस वक्त के, जिनके साथ एक ये मसला दरपेश आया कि वहां पर एक शियों में से एक शख्स ने अपनी बीवी को एक ही मजलिस में, यानी एक ही सिटिंग में 3 तलाक दे दी। हम जानते हैं कि हमारे में इस तरह से नहीं है कि एक वक्त में आप 3 दफा तलाक दे दें, बल्कि पहली तलाक होती है, दूसरी होती है, तीसरी, फिर इसमें उसकी पूरी पूरी कंडीशन है। जाहिर है कि ये पूरा एक फिकी मसला है और पूरा इसका एक अलग से चैप्टर है। अब वहां पर जब उस शख्स ने 3 तलाकें दे दी और फिर जाहिर है कि उसके बाद जब उसने रजू करना चाहा अपनी वाइफ की तरफ और शिया उलमा ने कहा से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे में इस तरह से नहीं होता है कि एक ही सिटिंग में आप 3 तलाकें दे दें और उससे तलाक जो है वो वाकया नहीं होती है। लेकिन उस औरत ने कहा कि जब तक मैं इमाम में जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इसका जवाब नहीं सुन लूंगी तो उस वक्त मेरा दिल जो है वो मुतमईन नहीं होगा। जाहिर है कि जब इमाम मौजूद हो तो फिर इंसान का दिल चाहता है कि वो अपने इमाम से ही जो है वो अपने मसले का हाल पूछे। इसीलिए बहुत प्यारी बात लगती है आयतुल्लाह तकी बहजत की, और इसी तरह दूसरे उलमाए कराम ने भी, मुज्तहिदीन ने और काबिर जो भी जितने भी हमारे मुज्तहिद हैं वो यही कहते हैं, आयतुल्ला मिलानी है, इसी तरह वहीद खुरासानी है, इसी तरह से जवाद अमली है, और के अपने वक्त के इमाम से हर वक्त गुफ्तगू करें। आपके जितने भी मसाइल हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, अपने वक्त के इमाम से बात करें, बैठें, गोशे तन्हाई में बैठे वक्त निकालें, क्या निकालते हैं, बैठ के अपने इमाम से गुफ्तगू करें। तो कम अज कम जुम्मा मुबारक तो जो हमारे वक्त के इमाम से मंसूब है दिन, कि हम उस दिन बैठ के कुछ देर गोशे तन्हाई में अपने वक्त के इमाम के साथ बात करें, वक्त को मुख्तस करें, डेडिकेट करें कुछ वक्त अपने दिन में हिस्सा, चाहे हम उसमें तस्बीह पढ़कर, चाहे हम उसमें वैसे ही बैठ के, हम इमाम हर जुबान को समझते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुआए नुतबा पढ़ें, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जाते आली यासीन पढ़ें, उसके लिए जरूरी नहीं ही लैंग्वेज में अपने मौला से बात कर सकते हैं। और वक्त को निकालिए अपने ईमान से, अपनी परेशानियों को, अपने दुख दर्द को, दुनिया के हालात को, जो भी आपके जहन में और अगर परवरदिगार दो आलम का लुत्फ करम है आपके ऊपर तो आप उसका शुक्र अदा करें। तो अपने ईमान को बताएं तो मौला हम आपको मिस करते हैं, मौला हम आपको याद फरमाते हैं, मौला हम हर वक्त आपकी कमी जाहिर रखें, हम हमारी गुनाहगार आंखें हैं, हम आपको देख नहीं सकते हैं, और ये कमी हम सारी चीजों के ऊपर जो है हमारे लिए हावी है। बेशक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परवरदिगार दो आलम की अता की नेमतें, फबीय अलाय रबी तुम्हारा लाभ शर्मिन अलाय कर हम उसकी नेमतों में शुमार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारे वक्त के इमाम हमारी आंखों से निहां हैं, ओझल हैं, और ये हमारे लिए बहुत ग्रां है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा दुश्वार है कि हम अपने वक्त इमाम के पास मतलब इन फेस टू फेस जाकर कुछ मालूम नहीं कर सकते। बहरहाल अपने उस वाक्य की तरफ आते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि उस औरत को जो उसके शोहर ने 3 तलाकें दी और उलमाए ने कहा कि नहीं शियों में ऐसे नहीं होता है, तो उसने कहा कि जब तक मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इसका जवाब नहीं सुन लूंगी मैं मुतमईन नहीं हूंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उस दौरान उन हालात में सख्ती कितनी थी उस वक्त के शियों के लिए अपने वक्त के इमाम से जाकर कोई मसला पूछना, कोई सवाल करना। और हमें कितना आसान तरीका बता दिया गया कि हम कहीं भी बैठ जाए अपने घर में, किसी भी वक्त गोशे तन्हाई में बैठकर हम अपने इमाम पे गुफ्तगू करें, हम वी कैन टॉक टू हिम इन एनी लैंग्वेज, वी कैन शेयर विद हिम, वी कैन आउट पोर आवर हार्ट इन फ्रंट ऑफ आवर इमाम,
और गाय, और इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला के सामने हम नमाज शब आकर पढ़े। तो बहरहाल वो शख्स जो है वो कहता है कि ठीक है कि मैं जो हूँ वो जाता हूँ किसी तरह से। और यही वो दौर है कि वो सफाक हुकूमत थी अब्बासियों की, और बहुत मुश्किल हालात थे। और फिर उसमें ये अब्बासियों का पहला सरकश खलीफा जो था, ये उसके दौर का वाकया है। और उस वक्त इमाम जो थे वो हेरा में रहते थे, कि जो नजफ और कूफा के दरमियान जो है वो इलाका बताया जाता है। अब उस औरत का शौहर जो है वो हेरा चला जाता है, और अब वो सोच रहा है कि किस तरह से, जाहिर है कि वो हालात नहीं थे कि वो सीधा जाए और जाके इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का हालात, कोई पता नहीं था कि यहाँ पे कौन से अब्बासियों के जो है वो एजेंट्स बैठे हुए हैं। ये सिर्फ आज ही एजेंट्स नहीं है, हर जगह जो मतलब मुखबरी करने वाले लोग जो हैं, ये CIA और ये इस तरह के सारे, ये ISIS, ये जितने जितने अलकायदा वगैरह, ये सब ये आज की नहीं है, उस जमाने से चला आ रहा है। ये रहमान और शैतान की जंग जो है ये अजल से है और अब तक रहेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वो शख्स आता है और वो अब सोच रहा है कि वो उस हेरा में आ गया है, मतलब किस तरह से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक रसाई हासिल करे और अपने सवाल को लेके जाए मौला की खिदमत में, और फिर वहां पर उस जवाब को लेकर वापस आए। तो वो देखता है कि वहां पर एक शख्स जो है वो खियार जो है, जिनको हम उर्दू में खीरे कहते हैं और इंग्लिश में क्यूकम्बर कहते हैं, वो सब्जी बेचने वाला जो है वो उस मोहल्ले में सब्जी बेच रहा है। तो वो भी सब्जी बेचने वाला था। तो अब ये उसके पास जाता है, उससे कुछ सब्जी खरीदता है, खीरे खरीदता है, क्यूकम्बर, और फिर उससे उसका लिबास जो है वो रियायतन लेता है। वो शख्स इमाम का चाहने वाला था तो उससे लेता है, और फिर जाहिर है कि इस तरह से भेस बदल कर वो उस मोहल्ले की तरफ जाता है कि जिसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो थे वो मौला रिहाइश पजीर थे, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम रहते थे। देखिए कितना मुश्किल था उस वक्त इमाम से जाकर एक मसले का सवाल पूछना। और अब फिर वो वहां जाता है, और फिर जाहिर है कि इमाम तो हालात से वाकिफ है, इमाम तो हमारे दिलों से वाकिफ है, और इमाम जिस तरह के हमारे वक्त के इमाम भी कहते हैं कि आप हमारी निगाह आपके ऊपर है और हम आपके तमाम हालात से बाखबर हैं, तो इसीलिए जाहिर है कि हमें किसी भी हालत में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हालात जो है वो हमारे मौला जानते हैं, वो हमारे सरपरस्त हैं, वो हमारे वारिस हैं, हम लावारिस नहीं है, हमारे इमाम मौजूद है, हमारे ऊपर हुज्जत खुदा का साया है। और तमाम जाहिर है कि ये परेशानियां जो है ये बिल्कुल वक्ती होती हैं। तो ये जो हालात चल रहे हैं जाहिर है कि इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे इमाम हमारे सर पर हैं इंशाल्लाह अजीज। तो वो जाता है शख्स, तो इस तरह से बहाने से वो इमाम के घर के करीब आ जाता है, और वहां पर फिर एक जाहिर है इमाम आपके हालात से बाखबर है, एक बच्चा आता है, वो इमाम का पैगाम लेकर आता है और खीरे बेचने वाले से कहता है कि हमारे इमाम के पास आ जाओ। तो कहता है कि फिर मैं हजरत के पास गया, और हजरत ने फरमाया कि अजीब तरीका इख्तियार किया है, तुम ये बताओ कि तुम्हारा मसला क्या है। तो कहते हैं कि मैंने मसला बता दिया, और हजरत ने फरमाया कि अपनी बीवी के पास वापिस चले जाओ, तुम्हारी तलाक बातिल है और इसके अलावा तुम्हारे जिम्मे कोई चीज नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इससे हमें अंदाजा होता है कि हमारे पास के उस वक्त हालात जो थे वो कितने जाहिर है कि मुश्किल थे। तो इंशाल्लाह अजीज अगले हफ्ते भी हम, जैसा कि मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हम अपनी गुफ्तगू को जारी उतारी रहे, तो आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव जो है कि इसमें लेफ्ट है, कि जिसमें हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं, और फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसके साथ साथ जाहिर है कि हम जानते हैं कि 3 जून का जो दिन है वो 1989 के, जिसमें इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह, वो फरजंदे ज़हरा, वो बुत शिकन के, जिनकी विलादत का सॉरी जिनका के जाहिर है कि तारीख वफात है, जिनकी डेथ एनिवर्सरी का दिन है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं हमारे वक्त के, कि जिन्होंने 19वीं सदी में 21वीं सदी में इनकलाब ला के ये दिखा दिया कि अगर परवरदिगार तो आलम की रिजा के लिए आज भी इकदामात उठाए जाएं और उन रास्तों को अपनाया जाए, आईमान अलैहिस्सलाम की फिक्र को लेकर चले,
तो हम दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं, हम इनकलाब को बर्पा कर सकते हैं। उन्होंने यूरोप में, उन्होंने फ्रांस में रहकर भी दिखा दिया, जिला वतनी के दौर में भी, कि आप दुनिया के किसी भी गोशे में रहें आप इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल पैरा हो सकते हैं। तो हम इमाम खुमैनी अलैहि रहमा के जहाँ शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इनकलाब इस्लामी ला के दिखाया। और किस तरह से ईरान इस वक्त भी, कि जिसके ऊपर सेंक्शन हैं, जिसके ऊपर तमाम दायरे के जितने भी इस वक्त के गासिब हुक्मरान हैं, शैतान हैं, जितने भी, वो हर तरह से उसके ऊपर हमलावर होते हैं लेकिन वो नाकाम रह जाते हैं। तो इतना बड़ा इनकलाब लेकर आना वो इमाम खुमैनी रहमा की काविशों से, और तो उनकी रूह को भी हम एक हदिया करेंगे यहाँ सूरह मुबारक फातिहा पढ़कर और 3 बार सूरह इखलास। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर इमाम खुमैनी रहमा के लिए भी एक सूरह मुबारक फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के उनकी रूह को इसाल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीन अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दालीन। بسم الله الرحمن الرحيم، 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 इमाम जमाना अज्जल अल्लाह ताला फरजे शरीफ के ज़हूरे नूर से मुत्तसिल फरमाए और हम सबको अपने वक्त के इमाम के हकीकी मुंतजरीन, हकीकी पैरोकार, हकीकी जो है वो साथियों में शुमार फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीयकल हुज्जत इब्न हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहिस सा'आ व फी कुल्ल सा'आ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك تقع فتمتع فيها سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وال محمد بحق فاطمه وابيها وبعلها وبنيها اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا وحافظ